गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 26 फेब और है सैटरडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है परमानेंट इंडस कमीशन। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि देख सकते हैं आप, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में कवर हुआ था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में भी क्या हुआ था, ये कब हुआ था। अब देख लेते हैं परमानेंट इंडस कमीशन क्या होता है। ये इंडस कमीशन जो होता है वो हर साल बैठता है। इसके अंदर क्या होता है, पहले साल तो क्या होती है, इंडिया की तरफ से कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं और फिर इंडस पर बात करते हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से क्या होते हैं, उधर से लोग आते हैं, फिर क्या करते हैं, ये बात करते हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स आते हैं, इंडस के ऊपर बात करते हैं। करंट इशू क्या है, अब क्या होंगे, इंडिया के 10 लोग जाएंगे पाकिस्तान में। ये मीटिंग क्या होती है परमानेंट इंडस कमीशन की, ये मार्च 1 से 3 के बीच में होगी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या हो, ये मैंडेटरी है, क्या हो, एवरी ईयर क्या हो, इसकी मीटिंग होनी ही चाहिए। देख सकते हैं आप, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। एजेंडा क्या है इसका, एनुअल मीटिंग का एजेंडा क्या होंगे कि हम एजेंडा बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी मैं आपको बताऊँ, जैसे आप देख रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, महाभारत देख सकते हैं आप क्या होगी इंडस। ये आपको मानसरोवर लेक से देखने को मिलेगी, मानसरोवर लेक से पतली सी लाइन आपको इंडस देखने को मिलेगी। फिर यहाँ नंगा पर्वत से क्या होगी, ये चिल्लास पॉइंट से क्या होगी आपको ये पाकिस्तान में जाती हुई दिखेगी। और फिर ये क्या होगी, कराची से अरेबियन सी में गिर जाएगी। फिर इंडस के बाद आती है झेलम। झेलम जो इसकी सहायक है वो आपको भी देखने को मिलेगी। ये यहाँ से निकलती है वेरीनाग से और क्या निकलती है, ये इंडस में जाके मिल जाती है। फिर आपको चेनाब देखने को मिलेगी, फिर ये रावी देखने को मिलेगी इससे नीचे, फिर सतलज देखने को मिलेगी। ये टोटल क्या हुई, 6 रिवर हुई। इन पर ही क्या है, इन पर ही डिस्प्यूट है। इन पर क्या डिस्प्यूट है, तो गाइज एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी सितंबर 1960 में। इसमें कहा गया था कि जो इंडस है, इंडस झेलम और चिनाब, ये क्या हो गई, ये इस ट्रीटी में पाकिस्तान की तरफ गई। और रावी ब्यास सतलज ये क्या हुई, इंडिया को दे गई, इंडिया को दे दी गई। क्योंकि क्या था, डिस्प्यूट था, इंडिया क्या होता था पानी रोक लेता था बार बार इन रिवर का। और ये अनुमान लगाया जाता है कि 80% जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो क्या है, इन रिवर से ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर ट्रीटी के अंदर क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अ वाटर शेयरिंग पैक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये कवर करता है 6 रिवर को जो कि कहाँ से शुरू होती है, इंडिया से, और फिर क्या जाती है पाकिस्तान में जाती है। ट्रीटी सितंबर 1960 में शुरू हुई थी। इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ कि जो इन तीनों रिवर हैं वो क्या हुई, पाकिस्तान को दी गई और 3 रिवर इंडिया को दी गई। और एक और चीज़ इसमें क्या हुई कि इन 6 रिवर का क्या होगा, इंडिया सिर्फ 20% ही पानी यूज़ कर सकता है। 80% क्या हुआ, पानी किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। यही क्या था, इसके लिए कंसर्न था। और ये जो आपको जानना होगा कि ये जो 6 रिवर बह रही हैं इनका जो पर ईयर क्या है, ये कितना फ्लो करती हैं पानी एनुअली, 16.8 करोड़ एकड़ हेक्टेयर क्या करती हैं पानी को फ्लो करती हैं पर ईयर। अब देख लेते हैं एजेंडा क्या था इसके लेकर, पाकिस्तान क्या होगा, ज़रूर इसके अंदर क्या होगा, कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे बहुत सारे इंडस पर देखने को मिलेंगे, जैसे पकल दुल, ये 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। लोअर कलनाई 48 मेगावाट का, कीरू 624 मेगावाट का, चिनाब बेसिन पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे। और स्मॉल हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे, जो इसको क्या है, इसके लिए एजेंडा है। मैंने जैसे बताया फर्स्ट में क्या हुई थी, ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 2 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें 3 फीमेल ऑफिसर्स थी। विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन विच विल बी एडवाइजिंग द इंडियन कमिश्नर ऑन वेरियस इशूज ड्यूरिंग दिस मीटिंग। जैसे मैंने बताया क्या करता है, इंडिया क्या करता है, इन पर बांध बना लेता है, जबकि ये भी अनुमति नहीं है क्या क्या करें, हम इनका पानी रोक लें, यानी कि हमें एनुअली क्या करना पड़ेगा, इनका पानी इधर को पाकिस्तान की तरफ को भेजना ही पड़ेगा, हम इस पर कोई भी बांध वगैरह नहीं बना सकते। और इंडिया क्या करता है, इन पर बांध बनाते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान, इस पर एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उठा सकता है इस बार इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी में। देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, अब इसकी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये साइन हुई थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड फॉर्मल पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में 19 सितंबर 1960 में। अब जो इसका ब्रोकर था, जो इसके बीच में था, जिसने इसको साइन करवाया था, वो क्या था, वर्ल्ड बैंक था। एक वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एग्रीमेंट हुआ था बोथ नेशन के बीच में और सर्वाइव्ड हुआ है, बहुत दिनों से क्या हो रहा है, सर्वाइव चल रहा है बहुत सारे वॉर्स के बीच में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होते रहे हैं, इनके रिलेशन अच्छे नहीं है शुरू से। ये एक सेट करता है मैकेनिज्म फॉर अ कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज रिगार्डिंग देयर यूज ऑफ द रिवर। ये देख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ये हुई थी हमारे जवाहरलाल नेहरू।
जिसमें वर्ल्ड बैंक आपको देखने को मिलेगा। मेजर प्रोविजंस क्या है इसको लेकर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ट्रीटी क्या हुई थी, जो वाटर है ईस्टर्न रिवर का, जैसे सतलुज ब्यास रिवर का, वो इंडिया को एलोकेटेड हुआ था, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। दूसरा, वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर जैसे इंडस, झेलम एंड चीन, आपका किसको दिया गया था, पाकिस्तान को दिया गया था। इस ट्रीटी के अंदर इंडिया क्या हुआ था, राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है ऑन द वेस्टर्न रिवर सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड ऑपरेशन। इसके अंदर क्या अलाउड हुआ था, जैसे मैंने बताया था 20% वाटर सिर्फ वेस्टर्न रिवर का इंडिया यूज़ कर सकता है इरीगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए। इट ऑल्सो गिव्स पाकिस्तान द राइट टू रेस कंसर्न कर सकता है ऑन द इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर पर, अगर इंडिया ने बनाया तो उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। कंसर्न देख लेते हैं इसके लिए, इंटरनेशनल द ट्रीटी इज सीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोर ट्रीटी आज तक की देखी गई है, केसेज ऑफ द, क्योंकि कन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होते ही रहते हैं। इट हैज सीडिड डिसिटिफिकेशन एंड कन्फ्लिक्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कंसर्न इज द टेंस पोलिटिकल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, इवेंट इट फॉर्म बिल्डिंग एंड स्टोरेज सिस्टम नहीं बना सकते हम वेस्टर्न रिवर्स पर, एवन दो इट अलाउज स्टोरेज सिस्टम, हम इस कुछ भी क्या कर सकते हैं, वाटर वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ड्यू टू सस्पिशियस स्टेज अवर एवर ऑफ एवरी टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिलीबिलिटी ट्राइज टू गेट इज सस्पेंडिंग। देख लेते हैं ये 9/11 के बाद क्या हुआ था, 9/11 में भी हमला हुआ था मुंबई में, और फिर मोदी ने कह दिया था, पीएम मोदी ने, क्या करेंगे हम पानी को रोक देंगे 2014 में, और पुलवामा अटैक हुआ था जब भी क्या करा था, इस चीज़ को मोदी ने कहा था कि क्या करेंगे हम पानी रोक देंगे, लेकिन जब भी क्या गई आज तक की सबसे क्या है सक्सेसफुली ट्रीटी है। परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में थोड़ा सा जानते थे, ये सेटअप हुई थी अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विद द फॉलोइंग फंक्शन, क्या थे इसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो, एक परमानेंट पोस्ट हो, एस्टेब्लिश करे, प्रमोट कोऑपरेशन अरेंजमेंट फॉर ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन, फंडिंग करे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइडेड फॉर इन द ट्रीटी, प्रमोट करे कोऑपरेशन बिटवीन पार्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, एग्जामिन करे, रिजोल्व बाय द एग्रीमेंट एनी क्वेश्चन जो अराइज हों दोनों पार्टीज के बीच में, उसको क्या करे, उसका भी सोल्यूशन लाए। द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मीट रेगुलरली, मिलेगा हर ईयर, अल्टरनेटिवली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पहले इंडिया के जाएंगे फिर पाकिस्तान के जाएंगे, ऐसा कुछ रिक्वेस्टेड बाय देयर कमिश्नर। इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ये इंडस वाटर ट्रीटी एक मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी आज तक की मानी गई है, और इसमें क्या हुआ, हम क्लाइमेट चेंज को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या है आज के प्रेजेंट में सबसे बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है नासा लूसी मिशन, करंट इशू क्या है इसको लेकर, यूरोबेट्स क्या है, एक वन ऑफ द हैंडफुल आपको एस्ट्रोनॉइड्स देखने को मिलेगा जो लूसी विजिट करेगा नेक्स्ट 12 इयर्स में। अब देख लेते हैं रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स एट लॉस एंजेलस में उन्होंने ऑब्जर्व किया है क्या हुआ है, जो यूरोबिट्स है यानी कि जो एस्ट्रोइड्स है वो क्या हुआ है, एक स्टार से करीब में गुजरा है और स्टार क्या हुआ है उसकी वजह से ब्लिंक देखने को मिला है। एज यूरोबिट्स एस्केप्ड द स्टार्स ए फिनोमिनल साइंटिफिक ऑल एंड ऑक्यूलेशन। अब ऑक्यूलेशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, ऑक्यूलेशन क्या होता है, द बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज अ सोलर एक्लिप्स विच ओकर वेन द मून पासेज होता है, जब आप जानते होंगे जब सन के बीच में क्या हो जाता है मून आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है अर्थ की लाइट डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अर्थ पर सन की लाइट नहीं आ पाती। तो ऐसे ही क्या हुआ है कि वहाँ से यूरोबिट्स गुजरा है, एस्ट्रॉइड्स गुजरा है एक सितारे के पास से, यानी कि एक स्टार के पास से, जिससे हुआ है वो थोड़ा सा ब्लिंक देखने को मिला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही ऑक्यूलेटेशन बोलते हैं, जिसके आप एस्ट्रॉइड आपको स्पेस में ऐसे देखने को मिलेंगे। एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोल सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड आपको रॉकी ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो सन के ऑर्बिट में आते हैं, ये क्या है प्लैनेट से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इनको क्या बोलते हैं माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इनके कैटेगरीज क्या है, मेन बेल्ट ऑफ एन एस्ट्रॉइड फर्स्ट दोज फाउंड इन अ मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, देख सकते हैं आप ऐसे जुपिटर के इर्द गिर्द आपको एस्ट्रॉइड देखने को मिलेंगे, ये क्या है, ये सब पत्थर है रॉकी पार्टिकल्स हैं। लूसी मिशन क्या है, नासा का फर्स्ट मिशन है जो एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को, ये सोलर पावर्ड मिशन है, यानी कि आप देख सकते हैं इस लूसी मिशन के अंदर क्या होंगी, ये आपको सोलर से एनर्जी देखने को मिलेगी। ये एस्टिमेटेड होगा कि 12 साल में क्या हो ये जाए, इसमें क्या होगा ये 8 एस्ट्रॉइड को विजिट करेगा, जिसमें क्या लगेगा ये 6.3 बिलियन किलोमीटर डीपन जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए यंग सोलर सिस्टम। लूसी देख लेते हैं, लूसी आपको नाम कहाँ से लिया गया है, लूसी नाम लिया गया है लूसी होनिनियन फॉसिल्स से, आपको 1.6
मिलियन पुराना एक स्केलेटन देखने को मिलेगा, इसका नाम लूसी था, इससे ही लूसी मिशन का नाम लिया गया है। ट्रोजन एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? ट्रोजन एस्ट्रॉयड वो होते हैं जो जुपिटर के इर्द गिर्द आपको रोकी पार्टिकल देखने को मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं? ट्रोजन एस्ट्रॉयड बोलते हैं। देख सकते हैं आप ये क्या होगा, ये लूसी मिशन कोई ऐसी सैटेलाइट होगी जो क्या होगी, स्पेस में जाएगी। अब ट्रोजन क्या होता है देख लेते हैं। नासा की ये वेबसाइट है, नासा ने जैसे मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, ये कैसे घूमेगा ट्रोजन, ये कैसे घूमेगा एस्ट्रॉयड जुपिटर के आसपास, ये देख सकते हैं आप सन के अराउंड पहले घूमेगा, फिर क्या होगा ये लेफ्ट साइड जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रोजन जुपिटर के देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ से वापस आएगा और फिर क्या होगा ये इसको टाइम लगेगा यहाँ तक 12 साल पहुँचने में इसको लगेगा। जुपिटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये आपको फिफ्थ लाइन में दिखेगा सन की। जुपिटर इज बाय फॉर द लार्जेस्ट डिस्टेंस है इसका सन से, मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल द अदर प्लैनेट्स कंबाइंड। जुपिटर सैटर्न यूरेनस को और नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं, जोवियंस और गैस जायंट प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये एक थिक एटमॉस्फेयर है, मोस्ट ऑफ द हीलियम और हाइड्रोजन आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। जुपिटर रोटेट करता है एवरी 10 आवर्स, अ जूबिलियन डेज को बोलते हैं जो ये रोटेट करता है, बट टेक्स 12 अर्थ ईयर्स यानी कि 12 साल लेता है, जैसे अर्थ 365 दिन में घूमती है ना सन के अराउंड, तो ये 12 साल लेता है एक सन की ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, जिसको हम जोवियन ईयर भी बोलते हैं। जुपिटर हैज़ मोर देन 75 मून है, जुपिटर के पास उससे ज़्यादा भी हैं। द मेजर मून्स ऑफ जुपिटर आर नेम टू इन यूरोपियन गैनीमेड एंड कैलिस्टो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए इनका आंसर कमेंट में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।